देखिए, भारत का संविधान हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता देता है कि वो अपने अपने मत के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल का चयन करे, किसी भी राजनीतिक दल से चुनाव लड़े, अगर राजनीतिक दल के माध्यम से नहीं लड़े तो निर्दलीय चुनाव लड़ सकने की भी छूट भारतीय संविधान देता है। अब कौन कहां जा रहा है इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आपने किसान आंदोलन की बात छेड़ी तो किसान आंदोलन के जितने भी कर्ता धर्ता हैं उनसे मेरा एक ही सवाल है कि हमारा 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ और भारत को पांच नदियों के पानी में जितना जल में जितना हिस्सा मिला, बरसात के मौसम के अलावा भी गर्मी के मौसम में भी हिंदुस्तान के हिस्से का एक तिहाई से ज्यादा जल अतिरिक्त रूप से बहकर पाकिस्तान जाता है, और वो इसलिए जाता है कि सिंधु जल समझौते के साथ सतलुज यमुना लिंक नहर की योजना बनी थी, भूमि अधिग्रहित हो गई थी, कच्ची नहर बन गई थी, उसके माध्यम से वो अतिरिक्त पानी भाकड़ा नांगल बांध से आकर यमुना में डलना था और यमुना से हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बहुत से हिस्सों में के किसानों को पानी मिलना था। तो मेरा किसान आंदोलन के जो भी कर्ता धर्ता है उनसे एक ही सवाल है कि पाकिस्तान से तो उनका इतना क्या प्रेम है कि वो अतिरिक्त पानी जा रहा है और वहां जितना हमारे हिस्से का पानी जाता है उससे अभी तो वहां भुखमरी है, लेकिन फिर भी वहां जो खाद्यान्न उत्पादन है उसका आधे से ज्यादा हिस्सा हमारे अतिरिक्त पानी से उत्पन्न होता है, और हमारे हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के किसानों से उनकी क्या दुश्मनी है कि वो सतलुज यमुना लिंक नहर को पूरी नहीं होने दे रहे। सर, आपकी पार्टी के एक प्रवक्ता किसके क्या किसी के क्या शब्द हैं, किसी के क्या बातें हैं, उसके बारे में मैं कहीं आगे नहीं बढ़ूंगा, मुझे कोई टिप्पणी नहीं करनी है। मेरे पास जो आता है वाजिब काम लेकर आता है उसको सुनता हूं, और जो वाजिब नहीं होता उसके लिए साफ मना कर। अब उससे चाहे कोई नाराज हो, विधायक भी आए थे, विधायक को भी मैंने बताया था आज की परिस्थिति है, आपका काम नहीं हो सकता जब तक तबादलों से प्रतिबंध नहीं हटेगा। अब उसके बाद अगर वो नाराज होता है तो मुझे उससे कोई नाराजगी नहीं है, वो उसका मत है, वो मर्जी है, वो करे। अभियोजन के लिए जो चालान कोर्ट में पेश किया जाता है, अनुसंधान के दौरान कैसे सबूत अनुसंधान अधिकारी ने एकत्रित किए और वो अभियोजन के साथ प्रस्तुत किए, सारा खेल उस पर निर्भर करता है। आज विपक्ष के जो भी नेता बढ़ चढ़कर इस बारे में बात करते हैं, वो कृपया एक बार अपने अंतरात्मा में झांक कर इस बात को एहसास करें, क्या उनके शासन के कालखंड में उस मामले का अनुसंधान और उस मामले से संबंधित सबूत अच्छी तरह से अनुसंधान के दौरान पत्रावली में शामिल किए गए और उनको अभियोजन के साथ न्यायालय में पेश किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा कि जो सबूत अनुसंधान के दौरान पेश होते हैं और अनुसंधान में जो सबूत एकत्रित करके पत्रावली पर अंकित किए जाते हैं वो ही अभियोजन के बाद न्यायालय के सामने जो भी अधिवक्ता सरकारी अधिवक्ता होता है वो प्रस्तुत करता है। अब आज आपने ये प्रश्न किया है तो निश्चित रूप से अनुसंधान में कहीं न कहीं कोई कमी खामी रही होगी, कोई पुख्ता सबूत उन्होंने एकत्रित नहीं किए होंगे, इसलिए ये सारा मामला जैसा आप बता रहे हैं जमानत मिली होगी, तो इसके लिए जो उस समय के शासनकर्ता थे ये उनकी जिम्मेदारी है, वो पहले अपनी जिम्मेदारी का एहसास कर। सबसे पहले राजस्थान पुलिस ने जांच की, राजस्थान पुलिस की जांच के बाद मामला एनआईए के पास गया। अब राजस्थान पुलिस के अनुसंधान में क्या तथ्य थे और एनआईए ने क्या तथ्य क्या सबूत इकट्ठे किए, इनका विरोधाभास भी बहुत बार अपराधी को संदेह का लाभ देकर जमानत भी करवा देता है और संदेह का लाभ देकर बरी भी करवा देता है। अब इस मामले में देखना यह पड़ेगा कि राजस्थान पुलिस के अनुसंधान में और एनआईए के अनुसंधान में
किस किस प्रकार के तथ्य थे, किस किस प्रकार के सबूत थे। हर सीट में आपको पुराना अनुसंधान भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। पुलिस ने शुरुआती दौर में जांच की कि नहीं की, जांच किया नहीं की, और जांच की तो उसने पत्रावली पे क्या क्या साक्ष्य एकत्र किए, वो साक्ष्य भी अभियोजन के साथ एनआई की जांच के साथ न्यायालय में प्रस्तुत करने पड़ते।